इस टाइप का वीडियो एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है एनलाइट मोशन। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में देखने के लिए मिल जाएगा, तो जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। देन डाउनलोड हो जाने के बाद कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपको डिस्क्रिप्शन से बिटमार प्रोजेक्ट को एनलाइट मोशन पे इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, 9:16 रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है और आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो को ऐड कर लेना है। अब फोटो ऐड हो जाने के बाद आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। इस 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करके फोटो को फुल स्क्रीन साइज पे एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपको राइट पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम पीएनजी पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है और आपको सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लोज आ जाना है और जो न्यू प्रोजेक्ट रहेगा इस पर आपको प्रेस करना है और आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको बिटमार्क को ओपन करना है। अब जैसे आप बिटमार्क को ओपन कीजिएगा, इसमें आपको ढेर सारा आपको लेयर देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक आपको वॉच कर लेना है। इस वीडियो में आपको कंटिन्यू बताएंगे किस टाइप से फोटो को ऐड कर सकते हैं। तो आपको लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट मीडिया पे क्लिक कर लेना है और फोटो को ऐड कर लेना है। अब गाइस फोटो ऐड हो जाने के बाद आपको स्लाइड करना है और ये जो फोटो लिखा हुआ सर्कल के नीचे पे इस लेयर पे क्लिक करना है और आपको फोटो को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है और नीचे पे जो लेयर रहेगा इस लेयर पे क्लिक करना है और एक आपको अलग फ़ोटो को आपको इसमें ऐड कर लेना है। अब स्क्रीन पे जो है वो आपका इमेज ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको आ जाना होगा 8 सेकेंड पे। अब 8 सेकेंड पे आ जाने के बाद इसमें आपको टोटल आपको 4 लेयर देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड इमेज रहेगा इस पर आपको क्लिक करके और इसमें एक आपको अलग फ़ोटो को सबसे पहले ऐड कर लेना है। फोटो ऐड हो जाने के बाद जो ऊपर पे आपको 3 लेयर मिल रहा है, इस 3 लेयर पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेना है और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो भी आपको लेयर मिलेगा तीनों लेयर में, ये अलग अलग लेयर में आपको अलग अलग फ़ोटो को आपको ऐड कर लेना है। जिस टाइप से आप ऐड कर रहे हैं सेम आपको भी इसी टाइप से एक एक करके अलग अलग फ़ोटो को ऐड कर लेना है। अब गाइस फोटो ऐड हो जाने के बाद आपको थोड़ा स्लाइड करके 12 सेकेंड पे आना है और लेयर पे क्लिक करना है और फोटो को ऐड कर लेना है। फोटो ऐड हो जाने के बाद 14 सेकेंड पे आ जाना है। जो 15 सेकेंड पे लेयर है इस लेयर पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको फोटो को ऐड कर लेना है। अगर आपका फोटो देख पा रहे ये वाला जो फोटो है, ये फोटो हमारा 9:16 रिजोल्यूशन पे है। अगर आपका फोटो 9:16 रिजोल्यूशन पे अच्छा से एडजस्ट नहीं होगा तो आपको 4.5 साइज में फ़ोटो को क्रिएट कर लेना है, जिससे कि आपका जो फोटो का जो साइज़ है वो आपका परफेक्ट आपका ऐड हो जाए। इसके बाद आपको 16 सेकेंड पे आ जाना है और देख पर इसमें पहले से हमारा फोटो ऐड किया हुआ है तो आपका वह शो नहीं होगा, आपको इसमें अलग फ़ोटो को एक ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको 18 सेकेंड पे आना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करके एक फ़ोटो को ऐड कर लेना और आपको आगे की ओर आ जाना होगा 21 सेकेंड पे। और 21 सेकेंड पे आ जाने के बाद इसमें भी एक फ़ोटो को ऐड कर लेना और एक आपको वीडियो लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा, जो कि वीडियो अगर आप नहीं भी डालिएगा तो भी चलेगा। एक आपको सिर्फ आपको सिंपल सा फ़ोटो को आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, आपका जो काम है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको आ जाना होगा 23 सेकेंड पे। अब गाइस इसमें जो है इसमें आपको जितना भी लेयर मिल रहा है ये सब लेयर में आपको एक फ़ोटो को ऐड करना है। कैसे ऐड करना चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोटो को ऐड कर लेना है 9:16 रिजोल्यूशन पे, प्लस पे क्लिक करके कॉपी लेयर करना, फ़ोटो को डिलीट कर देना है। और फोटो डिलीट हो जाने के बाद जो लेयर रहेगा ये सब लेयर को आपको एक एक करके फिंगर की मदद से सेलेक्ट कर लेना है। जिस टाइप से हम एक एक करके सभी लेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं सब आपको भी इसी प्रकार से एक एक करके लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस इसमें आपको टोटल आपको 11 या फिर 12 चलिए बताते कितना लेयर को आपको सेलेक्ट करना है। तो गाइस इसमें आपको टोटल 12 लेयर को सेलेक्ट कर लेना है, प्लस पे क्लिक करना है, पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करना है और एक एक करके ऑप्शन को म्यूट कर देना है। जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा कलर एंड फिल वाला, ये वाला ऑप्शन आपका ऑन रहेगा और आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है।
स्क्रीन पे जो है वो आपका इमेज ऐड हो जाएगा। तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करके 28 सेकंड पे भी एक फोटो को ऐड कर लेना है। फाइनली वीडियो आपका बनके रेडी हो जाएगा। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए राइट पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर लेना है।